जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये किया जाएगा जयपुर, राजस्थान। जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। यहीं पे देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवम्बर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष रहा। तो इसमें केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 राज्य शीर्ष पर है। किसमें, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब शीर्ष पर है। अगला हमारा प्रश्न है कि वह पहला देश जिसका जिसके साथ भारत ने हाल ही में पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु 2000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है, ये किया है आर्मेनिया के साथ। ठीक है, ये कहा कि किसके साथ किया है, आर्मेनिया के साथ। आप मैप में आर्मेनिया को देख सकते हैं, ये जो घेरे के अंदर है डार्क पार्ट, यही हमारा क्या है, आर्मेनिया। ठीक, ये आर्मेनिया है, ये हमारा ईरान है। ठीक है, ये ईरान है, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है। ठीक है, और ये बीच में हमारा आर्मेनिया है। इधर देखेंगे तो हमारा टर्की पड़ जाता है। तो आर्मेनिया के साथ क्या हुआ है, एक सौदा हुआ है 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा, जिसमें वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदेगा। आर्मेनिया की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है येरेवान। ठीक, येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। ठीक है, एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ टर्की है, एक तरफ अजरबैजान है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो जॉर्जिया है। ठीक है, बीच में हमारा क्या है, आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ भारत का 2000 करोड़ रुपए का पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सौदा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। ये रखी है भावनगर, गुजरात में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर, गुजरात में दुनिया की पहली सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। सूरत, गुजरात की बात करें, यहाँ पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सूरत में क्या हुआ, सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था। एकता नगर, गुजरात की बात करें, तो यहाँ पे देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन। ठीक है, मियावाकी वन बनाया जा रहा है। ठीक है, एकता नगर में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने किया था। बड़ोदरा, गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा C-295 फाइटर प्लेन बनाने की आधारशिला रखी गई है। कहाँ, बड़ोदरा, गुजरात में पीएम मोदी ने C-295 फाइटर प्लेन के बनाने के जो संयंत्र है उसकी आधारशिला रखी है बड़ोदरा, गुजरात में। मोरबी, गुजरात, यहाँ पे क्या है, यहाँ मच्छू नदी बहती है, इसकी एक केबल पुल था जो टूट गया, जिससे 135 लोगों की जान चली गई। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया, वो कौन है। वो हमारे हैं श्याम शरण नेगी जी। ठीक है, श्याम शरण नेगी जी, ये उनकी फोटो है। इनका जो जन्म है 1 जुलाई 1917 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1917 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जब पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब इन्होंने पहली बार वोट दिया था। ठीक है, ये देश का इनका पहला वोट था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इनका घर है। यहाँ पे जो 1952 फरवरी 1952 में जो चुनाव हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश का जो ऊंट था वो 5 महीने पहले डलवा लिया गया था। उसमें इनको ये 1951 में ही सबसे पहले भारत के लिए वोट डाले थे। और उनकी मृत्यु जो है अब नवंबर 2022 को होती है, इसके पहले फिर उन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो अभी भी चुनाव हुआ उसमें वोट डाले हैं। इस प्रकार ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, श्याम शरण नेगी जी। ये हिमाचल प्रदेश से 1917 जुलाई 1917 इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति मतलब FT में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल करने की मंजूरी दी है पहाड़ी जातीय समूह, पादरी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को ST में शामिल करने की मंजूरी दी है। किसको, पहाड़ी जातीय समूह, पादरी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को ST में शामिल करने की मंजूरी दी है अनुसूचित जनजाति आयोग ने। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना शुरू की है। तो
देश की पहली जो वैदिक घड़ी है उसको लगाया जाएगा उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में देश की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। और उज्जैन में देश का पहला वेद विद्यालय जो खोला गया वो भी उज्जैन में सबसे पहले खोला गया, और दूसरा जो है पूरी उड़ीसा में खोला गया, ठीक है। पहला वेद विद्यालय उज्जैन में ही खोला गया, पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जा रही है, दूसरा वेद विद्यालय पूरी उड़ीसा में खोला गया। बात करें इंदौर की, तो यहाँ पे सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा रहा है, ठीक है। सोलर प्लांट लगाने के लिए यहाँ देश का पहला रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया जा रहा है, ठीक है, जारी किया जा रहा है। तथा ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उत्सव 2022 का आयोजन हुआ, ठीक है। ग्वालियर में क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है कि 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। तो ये किया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS को, ठीक है, EWS को संवैधानिक रूप से मान्यता दे दी गई है 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, ये हो रहा है बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर मीट का आयोजन किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, वो है मेघालय, ठीक है। मेघालय सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन संस्थान की संस्थापक जिनका 2 नवंबर 2022 को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन है, वो है इला भट्ट, ठीक है। इला भट्ट क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन संस्था की संस्थापक थी और उनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, नाम क्या है, इला भट्ट। अगला हमारा प्रश्न है कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट योगा करना अनिवार्य कर दिया है, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक सरकार है, आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्नाटक है। तो कर्नाटक सरकार ने बोला कि स्कूली छात्रों को प्रतिदिन 10 मिनट योगा करना जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित होलोंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या रखा है, तो उसका कर दिया है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डा बदल दिया है। इसका इससे पहले क्या नाम था, होलंगी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, अब इसका नाम परिवर्तित करके डोनी पोलो हवाई अड्डा कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, ये घोषित किया गया है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ठीक है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया पीएम मोदी के द्वारा, किसको, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।